सो हे गाइस, लेके आ चुका हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम एक अच्छा सा शोकेस बनाने वाले हैं एंडर ड्रैगन के एग के लिए। तो एंडर ड्रैगन का एग जो हमें मिलता है एंड में एंडर ड्रैगन को मारने के बाद, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, एंड तक देखिएगा। एक्चुअली मैं इसे अपने लिए पर्सनल प्रोजेक्ट की तरह बना रहा था, फिर मैंने सोची क्यों ना इसकी एक वीडियो बनाई जाए, तो मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पहले पीछे का काम मैं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद ये काम ख़त्म करके। Much later. तो गाइस, सबसे पहले हुआ क्या है कि मैंने इतना एरिया तो बना लिया है, अभी हमें ऐसा एरिया है सेम साइड बनाना है जो कि बहुत ही ओपी लगेगा। बनने के बाद एक टाइप का महल जैसा लगेगा, तो इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पिलर से खड़े करने हैं इसके बगल से, और हाँ, और अब नीचे का एरिया भी बनाना है। तो पहले उस साइड से पिलर खड़े करके इसको पूरा चारों तरफ से इन्हीं स्टोन से, पर्पल स्टोन से कवर कर देते हैं। तो ये कवर हो चुका है, इसको हटाओ। नाइस। तो अब हम लेंगे स्टेयर्स, इनको कुछ इस तरीके से लगाना है। अरे नहीं, ये भी गलत लगी। हाँ, ऐसा लगाना है कुछ इस तरीके से, जिसे साइड से लगेगा कि हमने स्क्वायर टाइप कुछ लगाया है। अब हमें क्या करना है, एंडर ड्रैगन बनाना है, तो उसके पैर कुछ इस तरीके के होंगे जैसे मैंने इस तरफ बनाए हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से पैर बनाए मैंने इसके, तो वैसे ही हमें एंडर ड्रैगन बोल दिया था मैंने, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब हमें इसे कुछ इस तरीके से लगा देना है, इतना लंबा। अब ये मुंह फाड़ता हुआ बनाएंगे हम, जैसे कि जब हमारे पीछे वो पड़ जाता है ना कभी कभी, तो वो मुंह फाड़ के भागता है हमारे पीछे, तो वैसा ही कुछ हम बनाएंगे। बस हमने क्या करा है कि इसके हाथ में हमने आज डर्ट ब्लॉक की जगह पकड़ा दिया है ब्लॉक ऑफ डायमंड। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखेगा और ऐसा लगेगा कि कोई महल है। तो हमें इसकी तरह ही बनाना है, वो वाला सेम, जैसे कि ये पकड़ा हुआ है ब्लॉक ऑफ डायमंड, वैसे ही वो बनाना है हमें। तो अब हम आते हैं इधर वापस, तो इसको थोड़ा मैं लंबा करता हूँ और इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि ये पहले नीचे हो गया था। तो गाइस, अभी मैंने ऊपर कर दिया है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे स्टेयर्स लगा देनी है और उसके ऊपर लगा देने हैं ये ब्लॉक्स फिर से, और उसके ऊपर हमें लगानी है स्लैब्स, इनको ये वाले ब्लॉक्स के भी ऊपर। तो गाइस देखिए, स्लैब्स लग चुकी हैं, अब ये बिल्कुल एंडरमैन जैसा लग रहा है, इसे तोड़ देते हैं। अब हम लेंगे वापस से वॉल्स को और इसके हाथों को बनाएंगे, जिससे लगेगा ये शोल्डर और हाथ से इसको पकड़ा हुआ है। अब हम लेंगे ब्लॉक ऑफ डायमंड और इसके हाथों में पकड़ा देंगे कुछ इस तरह। ब्लॉक ऑफ डायमंड देख के ऐसी अलग सी खुशी आ जाती है, सच बताऊँ दोस्तों। तो अगर आपको भी ब्लॉक ऑफ डायमंड देख के खुशी होती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो गाइस, अब देखिए बिल्कुल ये उस तरीके से ही लग रहा है जैसा वो है, वैसा ही ये लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें लेने हैं वापस से पर्पल ब्लॉक्स, तो हमें इधर लगाना शुरू कर देना है इन पर्पल ब्लॉक्स को कुछ उसी तरीके से जैसे हमने उधर लगाया था, हम इधर लगा देंगे। हाँ, अब ये कुछ अच्छा लग रहा है। तो अब हमें करना क्या है कि जैसा ये यहाँ पर हमने स्टेयर्स लगाई थी पहले, तो अब हम यहाँ पे भी स्टेयर्स लगा देंगे कुछ इस तरह। स्टेयर्स लगा देंगे हम यहाँ पे और ऐसे, जिससे कनेक्ट हो जाएंगी, और नीचे लगा देने हैं हमें ब्लॉक्स। अब हमें क्या करना है कि जो पर्पल स्लैब्स हैं उन्हें इसके ऊपर लगा देना है, हाँ, जिससे कुछ ये अच्छा सा लगेगा देखने में भी और इसमें अलग सी इफ़ेक्ट आएगा। हाँ, तो अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब सबसे अलग चीज़ हमें क्या करनी है कि हमें लेनी है बटन्स दोनों तरीके के, क्योंकि साइड में भी हमें बटन्स लगाने हैं और उसकी आँखें भी हम बटन से ही बनाएंगे। तो हम ले लेते हैं ब्लैक स्टोन के बटन और रेड वाले बटन। सबसे पहले ब्लैक स्टोन वाले बटनों का काम पूरा करते हैं। देखिए गाइस, ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने मतलब दीवारों पे जो करवाते हैं या फिर सीलिंग पे जो POP का वर्क करवाते हैं वैसे। देखिए गाइस, हमने ऐसे कर दिया ऐसे, और इसकी आँखें ही बना दी हैं बटन की। मुहावरा हो गया आँखें के बटन, हमने असली बटन ही लगा दिया माइनक्राफ्ट में। तो अब हम लेंगे पर्पल स्टेयर्स फिर से। अब हम ऊपर का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे वापस। ऊपर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें ऊपर का काम करना है, मतलब अब टाइम शुरू होगा हमारा माता पेची का।
तो माता पेचिका के ऐसे है क्योंकि अलग ही अलग एंगल्स में स्टेयर को असेंबल करा गया है, जिससे उसका एक अलग ही लुक बन गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइड वाले लगाएंगे और सेंटर वाले लगाएंगे। उसके ऊपर ये देख सकते हैं आप यहाँ पर आके कि यहाँ पर हमने लगाई हैं स्लैब्स का। सबसे ज़्यादा काम हमने स्टेयर्स का करा है, फिर हमें स्लैब्स का काम करना है। तो हम पहले बीच का स्क्वायर बना लेते हैं। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें ऐसे ऐसे लगाने पड़ेंगे दो स्टोन के स्टेयर्स। उसके बाद हमें कुछ ऐसे लगाने पड़ेंगे और इसको तोड़ देंगे। फिर हम इधर से ऐसे करके ऐसे लगा देंगे और वापस से इसको तोड़ देंगे दोनों को। उसके बाद हाँ ये कुछ अरे नहीं 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 ये वाला थोड़ा गलत लग गया है, तो इसे वापस सही करना पड़ेगा। कुछ इधर से लेके आने पड़ेगा हमें यहाँ पे और ऐसे लगाना पड़ेगा। गाइस अब ये सही लग गया है, बिल्कुल स्क्वायर हो चुका है। अब बाकी एक्स्ट्रा वाले को तोड़ देंगे। उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें स्टेयर्स को लेते ही आगे का स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लेंगे इसको, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम पीछे ब्लैक स्टोन लगा देते हैं, क्योंकि पीछे ब्लैक स्टोन ही लगे हुए थे इतने। और हम फिर अब क्या करेंगे, इधर भी लगा देते हैं, छूट गया था। हाँ चलो अभी लग चुका है। तो हम इसको ऐसी तरीके से शेप करेंगे फिर कि हमें सबसे पहले ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे कुछ, सॉरी स्लैब्स लगाने पड़ेंगे इस तरह कुछ। और अब थोड़ा सही लग रहा है। और हमें अब स्टोन्स ब्लॉक, मतलब जो पर्पल ब्लॉक के स्टोन्स हैं, ब्लॉक पर्पल स्टोन के ब्लॉक हैं, वो हमें दोनों साइड्स पे लगाने पड़ेंगे। तो गाइस मैं मौसम सही कर देता हूँ, बारिश होने लगी है। हाँ तो गाइस सही हो गया मौसम। अब अगर आपको ये देखना है कि मौसम चेंज करने की मौसम चेंज कैसे करते हैं, तो मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए ला सकता हूँ। अगली वीडियो शायद यही हो सकती है, मैं अभी देखता हूँ। और हमें कुछ ब्लॉक्स इस तरीके से लगा देने हैं। वाह अभी थोड़ा थोड़ा उसके जैसा शेप लेने लगा है। अब हमें साइड से थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है और इसको कवर अप भी करना है ऊपर, मतलब ऊपर से कवर अप करना है हमें ब्लैक स्टोन के स्लैब से। तो हम इधर से एक्सपेंड करके इधर लगाते हैं और इधर लगा देते हैं स्टेयर्स। फिर इधर से एक्सपेंड करके इधर लगाते हैं और इधर लगा देते हैं अब सबके स्लैब्स। तो हम लेते हैं ज़रा इनके स्लैब्स और डिफरेंस आ रहा है बीच वाली लाइन का समझ में। हाँ तो हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे स्टेयर्स, उस तरफ जाके देखना पड़ेगा। हाँ गाइस तो यहाँ पे स्टेयर्स ही लगेंगी, जैसे कि यहाँ पे लग रखी हैं वैसे ही वहाँ पे लगेंगी स्टेयर्स। तो गाइस अभी इससे थोड़ा मैचिंग हो गया है। अब हम क्या लग के लेते हैं गाइस, अब इसमें थोड़ा सा ही काम रह गया है, जो कि है हमारा इसको पूरा करना, मतलब ऊपर स्टेयर लगा के और उस पर स्लैब लगा देना। तो अब हम इस पर स्लैब लगाएंगे और इसको सही करेंगे। उसको सही करने के लिए अब हम करना क्या है कि अब हम लेते हैं जरा सी स्टेयर्स और इसे हम इधर लगा देते हैं। सो ये हमारा थोड़ी देर में बन जाएगा महल इज इक्वल्स टू एंडर ड्रैगन की शोकेस इज इक्वल्स टू बैटल बूम की क्रिएशन इज इक्वल्स टू बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा महल। ओ भाई साहब अब ये कुछ अच्छा लग रहा है, अब मन कर रहा है मतलब इसमें जाके रहने का। इसको आप और बड़ा कर सकते हैं, चारों तरफ से ऐसा बना सकते हैं और इसके पीछे आप अपना घर बना सकते हैं। मेरी मैंने अपनी बाकी की वीडियोस भी डाली हैं बिल्ड्स के ऊपर माइनक्राफ्ट में, और हाउसेस बिल्ड्स भी करे हैं मैंने, रेडस्टोन हैक्स भी बताए हैं, और मैंने अलग अलग चीज़ें करी हैं माइनक्राफ्ट से रिलेटेड, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप इसी तरीके से मेरे ऊपर सपोर्ट बनाते रखो और आगे जाके मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा। बस आपका एक लाइक मेरे पूरे दिन को खुशहाल बना सकता है। इस वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, अगर कर दिया है और नहीं करा है तो अभी जाके करो। मैं अभी आपको इसके लुक दिखा देता हूँ। देखिए गाइस कितना मस्त लग रहा है, मतलब ये घर अब इसके बारे में कहूँ भी क्या, मतलब बिल्कुल ही ओपी लग रहा है इसके। हमने इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने पहली बार एंडर ड्रैगन को पानी में खड़ा करा है, क्योंकि एंडर ड्रैगन पानी में आके वैसे भी मर जाता है या फिर टेलीपोर्ट हो जाता है। तो आज हमने इसको पहली बार देखो जैसे तैसे हमने इसको खड़ा ही कर ही दिया हमने पानी में।
तो अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस और क्या कहूँ यार, इतने ही तो कहते हैं सारे यूट्यूबर्स। मैं नया हूँ तो तुम क्या समझ रहे हो, मैं पागल नहीं हूँ? मैं पागल हूँ। और गाइस इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है, डायमंड ब्लॉग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक कर देना।